दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo T3 5G स्मार्टफोन को Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है। अभी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Vivo फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर Vivo का फोन ही विनर है, क्योंकि ये फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में मिल रहा है, भी अच्छी बात है। लेकिन यार दोस्तों जो दोनों फोन्स की UI है ना भाई, ब्लोटवेयर्स तो आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें Dimensity 7200 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें Dimensity 6080 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन यार गेमिंग अगर आपको बिल्कुल ही बढ़िया वाली करनी है, टॉप लेवल गेमिंग, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसके अंदर जो हमें Dimensity 7200 मिल रहा है ना, एकदम बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर। बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो Vivo के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Redmi के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों Redmi फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई, बढ़िया फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ना बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड फोटो के हिसाब से, तब मैं यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जो Vivo का मेन कैमरा ना, सच में यार एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोस क्लिक कर देगा। लेकिन यार जो इसका सेकंड कैमरा ना 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, ये तो भाई यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह पर अगर Vivo वाले हमें अल्ट्रा वाइड दे देते ना, तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसलिए दोस्तों अगर आपकी मेन प्रायोरिटी अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो Vivo के बैक कैमरा से हम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Redmi के बैक कैमरा से हम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहां पर तो वीडियो स्टेबलाइजेशन में फर्क है, क्योंकि यार Vivo का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। दोस्तों बढ़िया स्टेबल वीडियो अगर आपको बनानी है ना, तो डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। ये Redmi वाले तो सिर्फ कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें, तो दोनों फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना, अच्छी सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो दोनों फोन्स 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। भाई एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन्स के साथ में काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें, तो Vivo फोन 44 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों फास्ट चार्जिंग में अगर आपको ज्यादा वाली चाहिए ना, तो डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन स्टोरी 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें Vivo फोन के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन यार Redmi के अंदर हमें दिया गया है। साथ ही यार दोनों फोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें Vivo के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Vivo फोन के 8+128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 21,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों वैसे तो यहां पर भाई दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मेन प्रायोरिटी भाई बिल्कुल बढ़िया वाली गेमिंग है ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कैमरा में अल्ट्रा वाइड की ज्यादा जरूरत रहती है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi की तरफ ही जरूर से जाइए।